करी शके ना कोई तारा भूणो ना सरवाड़ा युगो सुधी जळ हर्षे भुवन भानु ना अजवाड़ा युगो सुधी जळ हर्षे भुवन भानु ना अजवाड़ा केम भूली शो तुझने ओ जिन शासन ना रखवाड़ा युगो सुधी जळ हर्षे भुवन भानु ना अजवाड़ा पूज्यपद गुरुदेव श्री भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से सरस्वती की कृपा दृष्टि से विश्वहित चिंतक जैनाचार्य विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहिब से आज हमें जुड़ने का मौका मिला है। गुरुदेव, जीवन का अर्थ हो आप, जीवन का भावार्थ हो आप, शास्त्रों का गाथार्थ हो आप श्री में जो ज्ञान समाया हुआ है, जो त्याग इन्होंने अपनाया हुआ है, इसकी कल्पना करना कठिन है। मेरे और आपके अनंत उपकारी परमात्मा संयम के मार्ग पर आज प्रस्थान किया। परमात्मा के साधना काल की बात आज जब आपसे आपके सामने रखूंगा, कभी कभी आपको भी मन में एक प्रश्न उठता था, मेरे मुझे भी कभी उठता था। भगवान का साधना मार्ग पूरा देखोगे, बिना कष्ट की एक समय एक स्थान नहीं था। आपके और मेरे मन में कभी यह प्रश्न उठता है कि महाराज साहब, धर्म करना वो आनंद की बात है कि दुख की बात है? आंबेल करो दुख, एकासन करो दुख, तप करो दुख, त्याग करो दुख, ब्रह्मचर्य का पालन करो दुख। महाराज साहब, धर्म तो आनंद का कारण बनना चाहिए, दुख का कारण क्यों बनता है? आपके मन में और मेरे मन में यदि ये शंका है तो मैं आज वो शंका का निराकरण करना चाहता हूँ। ऑपरेशन कभी बिना दुख का होता नहीं, प्रसूति की पीड़ा कभी बिना दुख की होती नहीं। आप संसार के क्षेत्र में एक नंबर पे आने चाहते हो तो बिना कष्ट एक नंबर कभी मिलता नहीं। अध्यात्म के जगत में जो कष्ट है वो आपको दुख लगता है, परमात्मा बोलते हैं वो ऑपरेशन का कष्ट है। जानबूझकर के ऑपरेशन के लिए आदमी एडमिट होता है। डॉक्टर कभी किसी को घर पे बुलाने के लिए नहीं आता है कि ऑपरेशन के लिए आओ, मरीज खुद जाता है। हाथ जोड़ करके डॉक्टर को बोला मुझे एक ऑपरेशन की डेट दो, और डॉक्टर जब बोलता है कि कागज पे लिख देना पड़ेगा, हर जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी कुछ हुआ तो, और वो लिखने के लिए तैयार। आज तक कोई भी मरीज ने शिकायत नहीं की कि ऑपरेशन बिना पीड़ा का क्यों नहीं होता है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ऑपरेशन के बाद मरीज को मे बी पॉसिबल तंदुरुस्ती मिल जाती है। तो अध्यात्म जगत कर्मों का ऑपरेशन का समय है, और ये जानबूझ करके जो ऑपरेशन कराने के लिए आते उनको पीड़ा होगी होगी, 100% होगी, मगर मैंने पहले बोला था इन्वाइटेड पीड़ा, एक्सेप्टेड पीड़ा। जानबूझ करके पीड़ाओं को आमंत्रण देना है, और तो ही अध्यात्म के मार्ग पे चले आना। और तीन बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमात्मा का तीन पीरियड था। एक पीरियड था पुण्य का पीरियड, जन्म से लेकर के परमात्मा की दीक्षा नहीं हुई तब हर तरह की सुविधा, माने जहां भी गए परमात्मा, जहां भी गए हर जगह परमात्मा का सम्मान था। नंबर एक पुण्य का काल, नंबर दो साधना का काल, कष्ट का काल, सेकंड पीरियड। और एक बार साधना समाप्त होने के बाद परमात्मा ने केवल नाम की प्राप्ति की, और फिर परोपकार का काल। आपको मैं कहना चाहता हूँ, तीन पोर्शन परमात्मा का समझ लो, नंबर एक पुण्य का, नंबर दो कष्ट काल, और नंबर तीन परोपकार काल। जब तक परमात्मा चारित्र के मार्ग पे नहीं आए तब तक परमात्मा का पुण्य हाइट पे था, और जिस दिन परमात्मा ने दीक्षा ली और उसी दिन से कष्ट का पीरियड चालू हुआ। मगर वो कष्ट परमात्मा ने क्यों झेले और कष्ट के बाद क्या हुआ वो बात आज आपके सामने करना चाहता हूँ। पहले मन बना लो, धर्म के क्षेत्र में पीड़ा 100% अनिवार्य है, मगर पीड़ा से क्या पुरस्कार मिलता है एक बार यदि मेरी और आपकी सामने नजर आ जाएगी, हम हर पीड़ा के लिए तैयार हो जाएंगे। आज बात आपके सामने कष्ट काल की करना चाहता हूँ, न पुण्य काल न परोपकार काल, मगर 12.5 साल तक परमात्मा का कष्ट काल। मैंने शायद 2 दिन पहले कहा था परमात्मा के 5 कल्याणक दूषित हुए थे, शायद मैंने कहा था।
आज तीन चार और पांच नंबर के कल्याण की बात करना चाहूंगा। तो पहले नंबर का कल्याण दूषित हुआ कब? भगवान ने देवानंदा की कक्ष में स्थान लिया और त्रिशला माता की कक्ष में ट्रांसफर करना पड़ा। आज तक कोई तीर्थंकर का ऐसा कलंक नहीं हुआ था जो परमात्मा महावीर देव का एक कोख में आने के बाद दूसरी कोख में उसी जन्म में जाना, आज तक कोई तीर्थंकर का नहीं बना था। चवन कल्याणक दूषित हुआ गर्भापहरण से, जन्म कल्याणक परमात्मा का दूषित हुआ। आज तक परमात्मा को हर तीर्थंकर को अभिषेक के लिए मेरु पर्वत पर ले गए, मगर कभी इंद्र महाराज को शंका नहीं हुई कि परमात्मा का आत्मा ये अभिषेक का जल सहन कर पाएगा कि नहीं। पहली बार इंद्र महाराज को शंका हुई कि इतना पानी परमात्मा भी गिरेगा और इतना छोटा शरीर भगवान झेल पाएंगे कि नहीं, ये जन्म कल्याण दूषित हुआ। चवन कल्याण गर्भावर से, जन्म कल्याण इंद्र महाराज की शंका से और परमात्मा दीक्षा के मात पे गए। 24 तीर्थंकर ऐसे नहीं थे कि जो अकेले दीक्षा हुई, भगवान महावीर सिर्फ अकेले निकले, कोई नहीं साथ में। विष्णुदेव भगवान, अजीतनाथ भगवान, सभी के साथ कोई दीक्षा लेने वाला निकला, महावीर अकेले निकले। ये दीक्षा कल्याण का दूषण था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां बैठने वाले के मन में वर्षों से तीन क्षेत्र में शंका है, प्रेम किसको कहते, सुख किसको कहते और धर्म किसको कहते। आज वो कंसेप्ट आपके सामने प्रवचन के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं। आपके और मेरे मन में भी कभी कभी होता है, महाराज साहब प्रेम की डेफिनेशन क्या? बाप बेटे का, पति पत्नी का, शिष्य गुरु का, भक्त भगवान का, पार्टनर पार्टनर का, देरानी जेठानी का, माँ बेटी का, बाप बेटे का, किसका प्रेम? हर लोग प्रेम की बात करते और भागते, हर लोग प्रेम की, कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है प्रेम की? गलत फहमी प्रेम को लेकर के बहुत है, बहुत प्रेम, प्रेम को लेकर के गलत फहमी। मैंने परमात्मा के प्रेम के लिए माँ बाप छोड़ा, और कोई लड़का लड़की के पीछे पागल बनने के लिए भी अपना माँ बाप छोड़ दिए, और वो लड़का भी बोलता है मुझे मेरी ये लड़की है ना उन पर मेरा प्रेम है, मैं माँ बाप को छोड़ देता हूँ, और मैं बोलता हूँ गुरुदेव पर मेरा प्रेम है और इसलिए माँ बाप छोड़ देता हूँ। मैंने भी तो माँ बाप छोड़ा, भाग के भी, हमारे गुरुदेव भुवन भानु सिंह ने भाग के दीक्षा ली, माँ बाप छोड़ के। एक लड़का भाग के शादी करता है और एक लड़का भाग के दीक्षा लेता है, और भुवन भानु सिंह बोलते हैं कि प्रेम सीमा पर मेरा प्रेम था, और लड़का बोलती है लड़की पर मेरा प्रेम है, यो प्रेम है क्या? एक प्रेम को लेकर के गलत फहमी बहुत है, नंबर दो धर्म को लेकर के गलत फहमी बहुत है। कोई डेफिनेशन धर्म की यूनिवर्सल आपको मिलती नहीं कि क्या करे, एक धर्म ये बोलता है, दूसरा धर्म ये बोलता है, और आपको धर्म को लेकर के कन्फ्यूजन में है, और तीसरे नंबर में सुख को लेकर कन्फ्यूजन में। मैं बोलता हूँ संयम जीवन में मैं बहुत सुखी हूँ, और आपके मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता है महाराज साहब सुख आपके जीवन में क्या हो सकता है? नंगे पैर चलना, स्नान नहीं करना, बाल खिंचवाना, महाराज साहब एयर कंडीशन में सुखे, गाड़ी में सुखे, मोटर में सुखे? आप बोलते हो हम सुखी, मैं बोलता हूँ मैं सुखी, मैं बोलता हूँ गुरुदेव पर मेरा प्यार सच्चा, और तुम बोलते हो लड़की पर मेरा प्यार सच्चा। आप बोलते कि मैं धर्म करता हूँ सच्चा, वो बोलता है मैं धर्म करता हूँ सच्चा। इन तीन को लेकर के पूरी दुनिया में कन्फ्यूजन जबरदस्त है। आज तीन की बात आपके सामने कर करके भगवान महावीर की बात करना चाहता हूँ। सच बोलो, आपको लगता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव? आप बोल सकते हो यूनिवर्सल, मुझे भी काम लगे, आपको भी काम लगे, बहनों को, भाइयों को, सभी को काम लगे। इजी नहीं, आज समय में नहीं बिगाड़ूंगा। एक बात, हर हालत में आपके प्रति मेरा सद्भाव बना रहे वो प्रेम, हर हालत में। मेरे गुरुदेव ने मुझे मारा है, आज वो जीवन को याद करता हूं कि जब गुरुदेव ने मुझे मारा था ये पकड़ के, और अपने आप को चेक करता हूं उसी टाइम भी मेरा सद्भाव वो ही था जो दीक्षा के दिन था। ये कपड़े निकाल करके गुरुदेव ने मारे, आप यह मत मानो कि मारने के हिसाब से प्रेम कम होता है, मगर मेरा प्रेम वही था, वही सद्भाव लेकर के मैं बैठा था। लड़की के साथ भाग जाने के बाद दो ही दिन में लड़की के शरीर पे यदि डॉट्स पैदा हो गया छोड़ देंगे,
अरे जिसके प्रति प्रेम को लेकर के तेरे माँ बाप को रुला के निकल रहा, वो लड़की के चेहरे पे डॉट सुबह निकले और तूने बोल दिया डाइवोर्स ले लेता हूं, प्रेम था। आपको पूछना चाहता हूं, सद्भाव है तुम्हारा? चाहे वो माँ बाप का, चाहे भाई भाई का, पार्टनर पार्टनर का, गुरु शिष्य का, भक्त भगवान का, जो भी शरीर के आकर्षण को प्रेम का लेबल मानने की गलती मत करना। किसी की आंख अच्छी लगी तू बोलता कि मुझे तेरे से प्यार हो गया, बदमाशी मत करो, वासना को प्रेम का नाम तो कम से कम मत लो। सच बोलो ऐसा प्रेम आपका आपका किस पर है? मैंने जो यूनिवर्सल डेफिनेशन बताया, ऐसा प्रेम आपका किस पर? चाहे कोई भी हालत हो गुरुदेव, मेरा इनके प्रति सद्भाव पहले था, वही सद्भाव अभी भी बना रहा है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपको लगता है ये ऐसा प्रेम शायद हमने किसी पे नहीं किया? जीवन का बहुत बड़ा चैलेंज है प्रेम, वो प्रेम की बात मैं परमात्मा को लेकर के करने वाला हूं। क्या भगवान को गाली देने का प्रयास, भगवान को खत्म करने का प्रयास, फिर भी भगवान का इनके प्रति सद्भाव वही सद्भाव था। कम थे धर्मेंद्र च सोचितम कर्म करोति, चाहे तुम मारो, चाहे तुम बचाओ, चाहे सम्मान करो अपमान करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके प्रति मेरा सद्भाव ऐसा ही बना रहेगा। है आपको पूछना चाहता हूं, ऐसा प्रेम जीवन में कभी किसी को किया? कल्पना तो कर दो, कल मेरी पत्नी मेरा खून करने के लिए तैयार हो जाए, मेरा सद्भाव बना रहेगा? यहां वो लिखा है इसका एग्जांपल, खून करने वाली पत्नी पर भी सद्भाव बना रहा है। वासना सरल, राग सरल, आकर्षण सरल, प्रेम डिफिकल्ट है। आप कभी वासना को, राग को, आकर्षण को प्रेम का नाम देने की बात मत करना। मैं खुद अपने आप को सोचता हूं, ऐसा प्रेम भगवान आप मुझे दे दो। नंबर एक, प्रेम को लेकर के गलत फहमियां तो दूर करो, सद्भाव वही प्रेम। कितने संबंध हमने तोड़ दिए, किनके कितने लोगों के साथ। महाराज साहब क्या क्या सोचकर इनके से मैंने रिलेशन बनाया था, वो एक नंबर का गद्दार निकला, मैंने महाराज साहब छोड़ दिया। होगा तुम्हारी कोई कंडीशन होगी, प्रेम नहीं था वो, मेरा तेरे पर प्रेम था। आज वो मेरे पास समय नहीं, वो शिविर में बताऊंगा कि क्या कमाल आज के जमाने में भी लड़के और लड़की करते हैं और जिनको प्रेम का नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। नंबर एक सद्भाव वही प्रेम, नंबर दो स्वीकार भाव वही सुख। गाड़ी बंगले मोटर साधु जीवन आप सब कुछ भूल जाओ, आपके मन में स्वीकार भाव है वही सुख। चाहे सर के बाल खिंचवाना है स्वीकार भाव है, बिना स्थान का जीवन चलता है स्वीकार भाव है, बिना फीकी रोटी मिलती है स्वीकार भाव है, और शरीर में कैंसर है तो भी स्वीकार भाव, कैंसर के दुख के बीच में भी तुम सुखी हो। 5 करोड़ का प्रॉफिट होने के बाद भी तुम्हारे मन में ऐसा था कि 7 करोड़ का होने वाला था, ये 2 करोड़ कम हो गया, तुम दुखी हो। साथ बोलो आपको लगता है कि स्वीकार भाव वही सुख, बाकी दुनिया भर का सुख छोड़ दो, गाड़ी बंगले मोटर सब की डेफिनेशन छोड़ दो, बस यही बात गुरुदेव स्वीकार भाव। साधु के कैंसर में पूछो महाराज साहब साता में जवाब क्या मिलेगा, देवगुरु प्रसाद। साधु जी मैंने तुम ये मत मानो कि दूसरा कोई सुख है, बस वी आर रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। आपको सुखी होना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वीकार भाव ला लो। गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, सर्दी बहुत है, मंदी बहुत है, पेमेंट गया सब छोड़ो, स्वीकार भाव रेडी टू एक्सेप्ट। आपको दूसरा गाड़ी दे सकता है मगर कोई सुख नहीं दे सकता, सुख आपके हृदय से पैदा होगा। आपको दूसरा गाड़ी बंगले मोटर दे पाएंगे मगर एक्सेप्ट भाव स्वीकार भाव तो आपकी खुद की मोनोपोली होनी चाहिए। साथ बोलो ये स्वीकार भाव आपके पास है, क्लियर हो, आपको नहीं हो तो मुझे रुको, महाराज साहब यही सुख है, बस यही सुख, स्वीकार भाव वही सुख, इनकार में दुख स्वीकार में सुख। आप जो भी परिस्थिति का इनकार करेंगे वो आपके लिए दुख रूप बन जाएगी और जो परिस्थिति का स्वीकार करेंगे आपके लिए सुख रूप बन जाएगा। आगे सद्भाव वही प्रेम, स्वीकार भाव वही सुख, और सद्गुण वही धर्म।
नम्रता, सरलता, पवित्रता, उदारता, बस अब मान लो कि आप धर्म के मार्ग पे 100% आ गए। गलत फेरी कोई हो तो मन से निकाल दो। आपको मैं बता के आगे चलना चाह रहा हूं, सच बोलो, तीन डेफिनेशन पक्का। आप कभी गलत फेमी में उतरे, कोई पूछे तो उनको बोलना बाग छोड़ दे यार, तू क्या करता, मैं नहीं पूछना चाहता हूं, तेरे पास सदगुण है क्या? सामने वाला गाली दे रहा है, तू क्षमा करने के लिए तैयार, तू धर्मी है? दान करने के लिए तू तैयार होगा, तू धर्मी है, क्योंकि उदारता का गुण तेरे पे आ गया। नम्रता, सरलता, पवित्रता, उदारता, आपके पास जो भी सदगुण है वो हर सदगुण आपके लिए धर्म है। भगवान ऐसे भी क्या है, भगवान ऐसे भी क्या है, अनंत गुण के मालिक है भगवान। आप अनंत गुण के मालिक, दो पांच गुण का मालिक मैं हूं, तो आपका धर्म मेरे पास नहीं है, मगर कहीं थोड़ा 2% में लेके बैठा हूं। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास ये धर्म कितना? नंबर 1 प्रेम, नंबर 2 सुख, नंबर 3 धर्म। आपको लेकर के ये गलत फहमी है तो टोटली दूर कर दो। नंबर 1 सद्भाव वही प्रेम, स्वीकार भाव वही सुख, और सद्गुण वही। आप एक बार फिर से बोलो, प्रेम किसको कहते हैं? आप सब बोलेंगे, नंबर 1 प्रेम, सुख और सद्गुण और धर्म। ऐसा धर्म, ऐसा प्रेम, ऐसा सुख देने की ताकत भगवान महावीर का धर्म रखता है। आपके पास ये ताकत बनी रहेगी। पहले ही दिन परमात्मा चारित्र के मार्ग पे निकले और पहले ही दिन से भगवान को हैरान करने वाले लोग आए, मगर भगवान ने हर चीज का स्वीकार भाव कर लिया, कोई प्रतिकार नहीं। 1 करोड़ देवता परमात्मा के वर्षीदान के वरघोड़े में हाजिर थे और एक गुमाली आया अपने बैल को संभालने की बात परमात्मा को करने लगा, भगवान ये मेरे बैल है ना, तू संभाल लेना। भगवान को बोलते बैल संभाल लेना, और भगवान तो नीरी है, निष्प्रू है, ऐसे ही खड़े। और वो गोमाल गोशालक आया और दूर से अपने बैल को नहीं देखा, भगवान को मारने के लिए प्रयास किया, और इंद्र महाराज नीचे आए, हाथ जोड़ के भगवान को विनती की। आज वो बात आपसे करना चाहता हूं। इंद्र कहे, प्रभु वीर ने मने एक विनती करवा दो, पंथ कठिन छे साधना केरो, पास तमारी रहवा दो। हाथ जोड़ करके भगवान आपसे मैं विनती करना चाहता हूं। इंद्र कहे, प्रभु वीर ने मने एक विनती करवा दो, पंथ कठिन छे साधना केरो, पास तमारी रहवा दो। घोर भयंकर जंगल बसता क्रूर हिंसक प्राणी, कोई न पूछ से भाव तमारो, नहीं मड़े अन्न के पानी। भगवान, पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तेथी कहूं छू भगवान आप मुझे आपके साथ रहने की इजाजत दे दो, मैं आपके हर उपसर्ग को, परिसर को दूर करने के लिए तैयार हूं। देवलोक का इंद्र आपसे विनती करने के लिए आया हूं, आपकी सेवा में मुझे रखो। घोर भयंकर जंगल बसा क्रूर हिंसक प्राणी, कोई न पूछ से भाव तमारो, नहीं मड़े अन्न के प्राणी, ते माटे विनवू छू तमने साथ तमारी रहवा दो, पंत कठिन छे साधना केरो, पास तमारी रहवा दो। ज्ञान थकी हूं जोई रहो छू भावी मार्ग तमारो, भगवान मेरी आंखों के सामने दिखा रहा है आपके साधना जीवन का कष्ट। ज्ञान थकी हूं जोई रहो छू भावी मार्ग तमारो, आवसे आंधी तूफान घना उपसर्गो ने झंझा वातो, ते माटे विनवू छू तमने साथ तमारी रहेवा दो, पंथ कठिन छे साधना केरो, पास तमारी रहेवा दो। भगवान मावी के सामने खड़ा हुआ इंद्र करबद्ध विनंती करता है, संयम का एक ही दिन समाप्त हुआ है, 12.5 साल तक ये तकलीफ पाने वाली है। और इंद्र महाराज को भगवान बस इतना ही जवाब देते, वीर कहे छे, इंद्र ने समझू छू भाव तमारो, मेरा भक्त होने के नाते मेरे जीवन में कभी दुख ना बे, मैं जानता हूं कि तेरे मन का भाव या तेरी भक्ति बोलती है। वीर कहे छे, इंद्र ने समझू छू भाव तमारो, एकज चित्ते सांभजो, तमे ए छे उत्तर मारो। महाराजा इंद्र एक एक चित्त होकर के सुनो, ये जवाब मैं तुझे देना चाहता हूं। एकलो आवे आत्म पंखी, एकलो उड़ी जासे, का तो मुक्ति पाम से, का तो बंधन में मुकाशे, तेथी कहू छू इंद्रराज, तेथी कहू छू इंद्रराज, ए सहाय करवी रेवा दो, संकट उपसर्गो जे आवे ते हस्ते मुखड़े सेवा दो, वे ताकत मुझे दे दो।
और भगवान विनती करने के लिए आया इंद्र निराश होके वापिस निकला। इंद्र आज तक तो कोई भी तीर्थंकर ने दूसरे की सहायता से केवल नाम पाया नहीं, किसका भी केवल नाम पाना है, खुद की ताकत से ही पाना है, तू क्या मुझे सपोर्ट करेगा, मैं खुद अपने केवल नाम को प्राप्त कर लूंगा, आया है सहाय करने के लिए, निकल जाए तेरी कोई जरूरत नहीं, ये ताकत क्या दी, स्वीकार भाव था। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, भगवान महावीर की बात करते करते आपकी बात भी मैं करूंगा और मेरी खुद की भी बात भी मैं करते रहूंगा, सच बोलो एक जवाब आप दो, सुख दुख सहन होता नहीं कि दुख सहन करना नहीं है। बात गंभीरता से आज का प्रवचन आपके सामने मैं करना चाहता हूं और एक बात मैं करूंगा, महावीर की बात नहीं करूंगा, महावीर से हमारी बात करूंगा। आज आपके सामने महावीर की बात करने के लिए नहीं आया हूं, महावीर तो महावीर ही थे मगर महावीर को पाकर अभी तक हम क्या है, हम क्या है। महावीर की बात तो मैंने बहुत सुनी मगर महावीर को लेकर के हमारी बात करना चाहता हूं कि महावीर तेरे जैसा भगवान मिला और फिर भी हम आज कहां बैठे, यहां बैठे हमारी माता और बहनों को आप सबको पूछना चाहता हूं, दुख सहन होता नहीं है या दुख सहन करना नहीं है। धीरे धीरे हम जाएंगे साधना मार्ग, कोई मामूली बात नहीं, कदम 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 पे दुख है, कदम कदम पे दुख, सहन नहीं होता है, माफ गुरुदेव मेरी औकात की बाहर की बात है, गुरुदेव इतना मैं सहन कर सकूं ऐसी मेरी कोई स्थिति नहीं है, ओके बिना चाय रहता हूं तो गुरुदेव सर दर्द इतना होता है कि गुरुदेव ना बिजनेस में काम लगता है ना स्टूडेंट तो पढ़ने में काम लगता है, चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ओके सहन नहीं होता है, मगर चाय थोड़ी ठंडी आई शिकायत नहीं करूंगा, सहन हो सकता है। यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, मुझे जल्दी जवाब चाहिए, सहन होता नहीं कि सहन करना नहीं, सच बोलो क्यों। हाँ मरीज मान लो एक बार तो पक्का मान लो वी आर नॉट हेल्दी, हम हर हम डिसीज को लेकर के बैठे हैं, हम मरीज बन के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ये करना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ये पथ्य पालन करना पड़ेगा, ये कभी कभी ऑपरेशन की बात भी आता है और हम बोलते हैं कि वी आर नॉट रेडी टू, हम सहन करने के लिए तो डॉक्टर बोलेंगे इसी डिसीज के साथ जिंदगी भर रहो और मौत की राह देखो, मैं आपको स्वस्थ नहीं कर सकता हूँ, वाई नॉट, वाई वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस, हम सहन करने के लिए तैयार क्यों नहीं, मुझे आपसे जवाब चाहिए, वाई नॉट। भगवान महावीर का ये शासन स्वीकार भाव वही सुख है, साधना मार्ग पे जाने वाले परमात्मा महावीर ने 12.5 साल तक बस कोई प्रतिकार। आज आपके सामने 3 गोल की बात करना चाहता हूं, भगवान महावीर के जीवन के गोल क्या थे और मेरे और आपके जीवन के गोल क्या होने चाहिए। साधना मार्गे गयेला भगवान महावीर ना मन में 3 कंसेप्ट क्लियर छे। नंबर 1, आखी जिंदगी में मारे कोई ने पण दुख आपवू नथी, आप खुद को चेक करते चलना, पूरी जिंदगी में कोई भी मुझे मारने वाला, खत्म करने वाला, गाली देने वाला, हर तरह से हैरान करने वाला का, मैं किसी को दुख दूंगा नहीं। नंबर 1, मारे जिंदगी में कोई ने दुख आपवू नथी, नंबर 1। नंबर 2, मारा ऊपर आवेला दुख ने मारे क्यारे मापवू नथी। नंबर 1, मैं किसी को दुख देने का प्रयास जीवन में कभी करने वाला नहीं और मेरे पे आने वाले दुख की कभी मैं गिनती गिनने वाला नहीं हूं, कितना आया नेवर, चाहे गोचरी ना मिले, चाहे देवता है, चाहे कोई तिरियंज का जीव आए, कोई मनुष्य आवे, कोई डाकू आवे, अनार्य देश के आदमी ने कुत्ते भेजे, मैं गिनूंगा नहीं कि कितना दुख, कब तक सहन करूं, कब तक, और मैंने क्या किसी का बिगड़ा है, जिंदगी में मैंने किसी के लिए गलत सोचा नहीं, सारी दुनिया मेरे पे, कभी नहीं गिनूंगा, मारे कोई ने पण दुख आपवू नथी। नंबर 1,
मारी पर आवेला दुख ने मारे मापुम नथी। आरे जीवन में एक पण प्रवृत्ति एवी करवी नथी के दुख मारे वाबू पड़े, आपवु नथी, मापवु नथी अने वाबू नथी। अगले जन्म में भी मुझे दुख आवे ऐसा कोई सोच भी मेरे जन्म में करना नहीं चाहता हूँ। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, महावीर का साधना मार्ग ये तीन कंडीशन लेकर के बैठा है, न किसी को दुख देना है, न दुख देने वाले को गाली देना है, और कभी ऐसी सोच करनी नहीं है अगले जन्म में मेरे पे दुख आ जाए। न दुख देना है, न देने वाले को दोष देना है, और न अगले जन्म के लिए दुख को बोना है। दुख अपूर्ण थी, नंबर बे दुख मापूर्ण थी, और नंबर बे दुख सात, बोलो ये तीन में हम कहां। मेरे पे आने वाले दुख को गुरुदेव में कभी कभी नहीं, ये नहीं कहूंगा कितना, कहां तक कितना। आज बात में इसलिए कहना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले हजारों लोगों के मन में एक भाव है कि महाराज साहब मैंने किसी का बुरा किया नहीं, लोग मेरे पीछे क्यों लगे। सच राजू भी बराबर, यहां बैठने वाले कई माताओं और बहनों को लगता है, कई बहू को भी ऐसा लगता है कि गुरुदेव शादी की ना, और तब से लेकर के पूरे परिवार के पीछे गुरुदेव पागल हूं मैं, जो भी देवरानी जेठानी ननन सास बहु जो भी थे सभी का मैंने सबका संग किया, मगर गुरुदेव कोई मेरे क्रेडिट नहीं, मुझे ही दुख देते। या बेटे वाले के मन में गुरुदेव बिजनेस में किसी का मैंने बुरा नहीं किया, आज तक गुरुदेव किसी का नहीं किया, और फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। आप सबके मन में यदि कंसेप्ट है, मन में यदि शंका है, तो मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने बुरा किया कि नहीं मगर मालूम नहीं, मगर भगवान महावीर ने तो किसी का बुरा नहीं किया, वो तो पक्का था ना। मैं बोलता हूं तो आप भी बोलते हो ना, पक्का ना। और अभी मुझे बताओ कि भगवान महावीर पे दुख क्यों आए। यहां बैठने वालों को मेरा खुला प्रश्न, जिनको लगता है कि मैंने मेरे जीवन में किसी को दुख नहीं दिया फिर भी मेरे पे दुख नहीं क्यों आया, और इनको मैं पूछना चाह रहा हूं, भगवान महावीर ने किसी को दुख दिया नहीं, दुख देने का सोचा भी नहीं, फिर भगवान महावीर पे दुख क्यों आए। यो आंसर साधना मार्ग की बात करना चाह रहा, आप जवाब दो क्या है। ओके, आनंद आया, आपका जवाब राइट। अभी मैं इतना कहना चाह रहा हूं, इसी जीवन में किसी को दुख देने के बाद यदि पूर्व जीवन के पाप कर्म का उदय हो, आप कितने भी पवित्र सज्जन हो तो भी आप पर दुख आ सकता है। भगवान महावीर के जीवन का ही समाधान तुम लेते हो तो खुद के जीवन के लिए इस एटीट्यूड क्यों नहीं। महाराज साहब मैंने किसी का गलत नहीं किया, मगर कहीं कोई जन्म में तो किसी का गलत किया होगा ही, और कोई मेरे पे दुख है, महाराज साहब कोई मेरी शिकायत नहीं है। व्हाई दिस कॉम्प्रोमाइज इज नॉट। यहां बैठने वाले को मैं खुला, आज आप क्लियर कर दो, भगवान महावीर ने किसी का गलत नहीं किया फिर भी भगवान पे दुख आया तो मेरे जीवन में भी आ सकता है। रेडी? नहीं, आप बोलो, मुझे एक आनंद आएगा इस प्रवचन के बाहर बाहर निकलने के बाद आप बोलेंगे गुरुदेव बस पक्का क्लियर हो गया, सारी दुनिया मेरी सास मेरी बहू मेरी देरानी मेरी जेठानी गुरुदेव मेरा मित्र मेरा बाप मेरी माँ कोई भी मेरे खिलाफ है, गुरुदेव किसी ने कुछ नहीं किया, किसी जन्म में मैंने उनके साथ कुछ किया होगा, आज सभी का हिसाब वो पूरा करने के लिए आए, कुछ गलत नहीं। एक्सेप्ट भगवान महावीर का सद्भाव टकारा और सुख भी टकारा। आपके मन में कोई डाउट है तो बोलो, मैं डाउट को क्लियर करूं भगवान महावीर के साधना के मार्ग को लेकर के। एक बात तो भगवान महावीर की बात नहीं, तुम देखने की बात करो नहीं, ये श्रद्धा की बात, ये धर्म पूरा श्रद्धा पे चलता है। आपकी आंखों के सामने क्या दिखा रहा है, तुम क्यों बोलते हो, और इसलिए मैंने पहले पूछा भगवान महावीर के जीवन में आए वो दुख के लिए तुम्हारे पास क्या समाधान है। आप सीधा बोलते हो भगवान ने किसी जन्म में गलत किया होगा, तो हमारे लिए भी वही तो जवाब है ना, हमने भी किसी जन्म में गलत किया है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। एक बात पसंद है नहीं, मैं जो बात करना चाहता हूं वो इनको क्लियर करो, भगवान महावीर के जीवन में दुख आया कुछ भी गलत किया नहीं था, नहीं गलत भगवान महावीर ने सोचा भी नहीं था,
हमने शायद गलत किया नहीं होगा, मगर सोचा तो बहुत है। हमने गलत किया नहीं होगा, मजबूरी के हिसाब से सोचा तो बहुत है, और फिर भी मेरे पे दुख आता है। तुम सीधा लोगों मेरे पास आकर के बोलते, गुरुदेव मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे पे क्यों दुख आया? मुझे कभी कभी दया आती है दोस्त। भगवान महावीर को एक बार और एक बार बताओ, जिनकी हम पूजा करके दुख को खत्म करने का प्रयास करते, मैं रिपीट करूं, जिसकी पूजा करके हम भगवान से मांगते हैं, भगवान मेरे दुख को खत्म करो, और उनको कि उनके जीवन में भी दुख आया था, तो मैं और तुम किस औकात में बैठे हैं? मारे दुख मापू नथी, पहली बात आ नथी करो। मारे दुख, मैंने कर्जा किया 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 12,00,000 का, तो कर्जा लेने वाले आने वाले, हर मेरे पास मांगने वाला यही बताता कि मैंने कई कर्जा लिया है, हर दुख इतना ही बोलता कि मैंने किसी जन्म में कोई गलत किया है, और इसके लिए सब हिसाब खत्म करने के लिए आए, तो बिना विरोध में हिसाब पूरा करने के लिए थे, आओ जितने के वहां आओ जाओ। ये कंसेप्ट आपके मन में क्लियर है क्या? बस आज से कभी मैं प्रेम से कहना चाहता हूं, बहन को, बहू को, सास को, पति को, पत्नी को, आप सबको, हमने आज तक बहुत गाली दे दी दूसरे को, मेरा पति बदमाश है, मेरी सास बेकार है, मेरी बहू बेकार है, बहुत कुछ बोल दिया। आज के प्रवचन के बाद बोलना, गुरुदेव कोई भी मेरे साथ बदमाशी करता है उनका रूट मैं हूं, मैंने किसी जन्म में उनके साथ बदमाशी की है और वही हिसाब पूरा हो रहा है। We are ready to accept this. नहीं, आप मर्दानगी से तैयार हो क्या? मर्दानगी से, मजबूरी से नहीं। चलो आगे, मारी ऊपर आवेला दुख ने गुरुदेव अस्थि मापवानु बन बहु माप्या, અને અચાનકા મોઢામાં એક શબ્દ નીકળે છે, ખબર છે શું શબ્દ? તમે વારંવાર બોલો, ખબર છે ગુરુદેવ? સહન કરવાની પણ એક આ બોલો છો ને આપણે, આપણે હું બોલીને તમે બોલતા, કેમ બોલીએ છીએ? કેમ? આપણે થાકી ગયા છીએ, આપણે સહન કરીને થાકી ગયા, 1, 2, 3, 4, 5 આમથી માર, ઉપરથી માર, નીચેથી માર, અંદરથી માર, ગુરુદેવ એક સહન કરવાની પણ હદ હોય, ક્યાં સુધી સહન કરું? અને આનો જવાબ ભગવાન આપે છે, ભગવાન આનો જવાબ આપે છે, દોસ્ત જે દિવસે તું બોલે કે દુઃખ સહન કરવાની પણ હદ હોય છે, તો દોસ્ત અમારે તને પૂછવું છે, પાપ કરવાની હદ તે નક્કી નથી કરી, તો દુઃખ પણ પોતાની હદ નક્કી નથી કરવાનું। પાપ કરવાની હદ આપણે નક્કી નથી કરી, આપણે કે દુઃખ કરવાની હદ સહન કર નહીં, વી હેવ નો રાઈટ ટુ સે ધીસ। સારી દુનિયા કે જીતને ભી દુઃખ આય, હર દુઃખ સહન કરને કે લિયે આઈ એમ બાઉન્ડ ગુરુદેવ। चलो आगे, भगवान महावीर का साधना मार्ग मुझे और आपको जीवन में एक संदेश देता है, दोस्त सहन कर लेना, एंट्री पूरी कर दे आज, नो कैरी फॉरवर्ड, यह एंट्री अगले जन्म में भी तेरे साथ आएगी, हालत बिगाड़ देगी, बेहतर है कि इसी जन्म में पूरी कर दे। हम करोड़पति बन गए और किसी का कर्जा लिया, तुम बोलेंगे दोस्त आ जाओ, अभी तो पैसा है, मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरा ही तो किया हुआ कर्जा है। આટલું એક નક્કી કરી દો ગુરુદેવ, આજ પછી નક્કી કે મારે દુઃખ માપવું નથી। ઓર સેકન્ડ સ્ટેપ, ગુરુદેવ જ્યાં તક ઉચિત લગેગા વહાં સે ગુરુદેવ મેં કિસી કો દુઃખ દૂંગા નહીં, નહીં એન્ટ્રી ડાલને કી ગલતી અભી નહીં કરના ચાહતા હું, ચાહે કુછ ભી હો જાય, સામને વાલે ને મુજે હેરાન કિયા મેં ભી હેરાન કરકે દિખાઉંગા। ગુરુદેવ વો હિસાબ કિતાબ બદમાશ આદમી કા, પ્રાકૃત આદમી કા હો સકતા હૈ, भगवान महावीर को पाने वाला गुरुदेव अभी मैं सोच नहीं सकता हूं, बस बात खत्म, मैं दुख सहन कर लूंगा, और मेरी जान बुझ करके किसी को दुख देने का पाप नेवर। वी आर रेडी फॉर दिस, बात सुन के निकल नहीं जाना है, इस पंडाल से बाहर निकलते निकलते लगना चाहिए कि गुरुदेव भगवान महावीर की ये बात हमने पहली बार सुनी और हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार। मैं आपको इतना ही कहूंगा, महावीर को मानना सरल है, महावीर की मानना कठिन है।
आप महावीर को तो मानते हो मगर महावीर की मानते हो क्या? महावीर को मानना और महावीर की मानना दोनों के बीच में डिफरेंस है। भगवान को मानना बहुत आसान बात है मगर भगवान की मानना पानी उतर जाएगा। वी आर रेडी फॉर दिस। आप किसको भगवान मानते हो बोलते हो? महावीर को मैं बोलूंगा किसकी मानते हो? किसकी? मन की, बाप की, मां की, मित्र की महावीर की? क्या लगता है आपको? नो कमेंट। या बैठने वाले को नहीं, फिर से रिपीट कर, धर्म वो दुख की बात नहीं करना। कई लोगों की, कई लोगों ने अच्छे धर्म को भी गाड़ी देने का प्रयास किया है। जाओ तुम जैन धर्म में मिश्रा, दुखी 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 बात उनको मालूम नहीं दोस्त? ये धर्म के लिए कोई कमेंट करने के लिए लाख बार सोच और धर्म को समझने वाले के पास आकर के बात तो कर ले, पता चलेगा महावीर को तू गलत मानता है। नंबर एक, आज पछी गुरुदेव मारा ऊपर अबेला दुख नहीं, फरियाद करवानू बंद करी जिस मारे दुख ने मापवान आवा दो छे ने आवू एना बात। और नंबर दो, गुरुदेव जहां तक उचित लगेगा वहां मुझे मालूम है ना कि अगले किसी जन्म में मैंने किया इसलिए है ना, अगले जन्म में एंट्री डालना नहीं चाहते इसलिए मैं उनको दुख नहीं दूंगा। मेरा करोड़ का पेमेंट डुबाने वाले का 50 लाख मेरे पास आ गया है कहीं से, मैं दे दूंगा। मेरा करोड़ दे उनकी बात अलग है मगर उनका पेमेंट कहीं से मेरे पास आया है मैं ये धमकी उनको नहीं दूंगा कि मेरे पास तेरा 50 लाख है कब करोड़ देता है, मैं रख लेता हूँ गुरुदेव अभी वो गलती नहीं करूंगा, इनका 50 लाख दे दूंगा और बोल दूंगा करोड़ देने की इच्छा तो दे दे, और नहीं भी दिया तो मान लूंगा किसी जन्म की एंट्री पूरी हो रही है। सच बोलो आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ आपको, ये तो नहीं लगता कि हमारा संसार में ये प्रैक्टिकल नहीं है? आप ये तो नहीं लगता है? और एक बात, भगवान महावीर का एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिकल ना हो। नहीं, आपकी ताकत कम पड़ी इसलिए आप बोलते कि प्रैक्टिकल नहीं, बात अलग है मगर वो ताकत वाला बोलता है हर चीज भगवान महावीर की प्रैक्टिकल है। चलो आगे, इसमें ही शब्द आएगा। 12.5 साल में भगवान ने किसी के लिए भी सकृदपि नो कषायम कृतवान, एक बार भी भगवान ने किसी के प्रति कसाई नहीं किया, नॉट ए सिंगल टाइम। तारा पगनो चूलो बनावी, जारे खीर बनावी, दो पैर के बीच में खीर बनाने का प्रयास भगवान महावीर के साथ हुआ। तारा पगनो चूलो बनावी, जारे खीर बनावी, अंगे अंग बड़े पड़ मुख पर शीतलता प्रसरावी, ओ दावा नल पिनारा, तारा जीवन रहस्य न्यारा, दुश्मन ने पण पूर्ण प्रेम दी क्षेम कुशल पूछनारा, ओ समताना धरनारा, तारा जीवन रहस्य न्यारा। दो पैर के बीच में खीर बनाने वाले के प्रति भगवान महावीर का प्रेम बना रहा था। हमारी मानसिकता क्या? कोई डाउट में आगे चलना चाहता हूं भगवान महावीर के साधना जीवन को लेकर के? चलो आगे, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर। ना मुझे दुख देना है, ना दुख को मुझे गिनना है, और अगले जन्म के लिए मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता हूं अगले जन्म में दुख का बुकिंग हो जाए। सामने वाला बोलेगा नहीं बहुत हो गया, अभी इतना दुख सहन नहीं होता तो अगले जन्म के लिए बुकिंग कराने की गलती क्यों करूं? चाहे इस जीवन में जो भी हिसाब किताब हो मैं पूरा कर दूंगा मगर अगले जन्म की बात नहीं, आगे चलना चाहता हूं पक्का। यह है भगवान महावीर के साधना जीवन का रूट। और एक बात मैं आपको कहूं, आप एक गोल लेकर के चलो अध्यात्म के मन में, मैं रिपीट करना चाहता हूं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं सच बोलो, आप घर से निकले क्या गोल लेकर के आए थे प्रवचन में? मुझे बोलो क्या आपका गोल था? ना घर से निकले तब क्या कि इस पंडाल में प्रवचन कर जाना, तो इनका इनकी ताकत क्या बनी? ताकत क्या बनी मालूम है? आपका विकल्प रोड पे आया, कितने रोड खुले पड़े थे मगर किसी रोड में आपका विकल्प न गया, क्यों नहीं गया? आप बोलो क्या, क्यों नहीं गया?
आपके मन का एक गोल था कि चाहे कितने भी रोड खुलने पड़े हो, कोई भी मुझे ऑफर करे, आजा आजा आजा, मुझे कहीं नहीं जाना है, सीधा प्रवचन में, सीधा प्रवचन में। हुआ क्या, हर रास्ते खुले पड़े थे, फिर भी आपका स्टीयरिंग व्हील कहीं नहीं गया और सीधा यहाँ करके आपने ब्रेक लगा के गाड़ी रुका दी। इनकी ताकत क्या हुई, आपका गोल आपने नक्की कर दिया तो गोल को डिस्टर्ब करने वाले जो भी रास्ते थे, हर रास्ते को तुमने छोड़ने की ताकत पैदा कर दी। आप एक गोल नक्की कर दो, आज से गुरुदेव दुख सहन करना है, दुख देने वाले को दुख दोष देना नहीं है और दुख को बोने का पाप नहीं करना है। एक बार आपका गोल नक्की हो गया और फिर चाहे कोई कितना भी दुख देगा, आप बोलेंगे ओके कुछ मुझे नहीं करना है। आपका धर्म के क्षेत्र में गोल क्या, दो मिनट में आप बोल दो, मैं फिर आगे चल। आपका गोल क्या, दो महीने ढाई महीने के प्रवचन के बाद आज मैं भगवान महावीर के साधना मार्ग का गोल और वही गोल भगवान ने हमको दिया और उसी गोल को लेकर के हम जीने का प्रयास कर दे। वी आर नॉट सक्सेस, 100% सक्सेस तो हम भी नहीं है, मगर आनंद आनंद गुरु भगवान सच्चा है। सामने वाले ने कोई गलत नहीं किया, मेरा ही कर्म का उदय किसको गलत करने का मेरे साथ मन हुआ। आपको मैं पूछना चाहता हूं, गोल क्या, हिम्मत भाई गोल क्या, नहीं बताऊं। हजारों लोग जन्म से लेकर के मां बाप के संस्कार के लेकर के गुरुदेव के प्रवचन को लेकर के हमने बहुत कुछ किया है, मांस कम किया, तेला किया, खाई की मंदिर में आए, लाख करोड़ का डोनेशन दिया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो भी करना था सब कर दिया। अल्टीमेट गोल क्या, व्हाट वी वुड लाइक टू हैव, आप बताओ। क्या है, पहले एक बात समझ लो, दुख संग मैंने ही दिया है, वो आएगा मेरे पास, आएगा आएगा 100% आएगा, आज भी तो कल आएगा। एक बात पहले ये पक्का कर लो कि मेरा ही दुख मेरे पे आ रहा है, मेरा पाप हिसाब करने के लिए दुख के नाम पे आया है। रिपीट, मेरा पाप हिसाब करने के लिए दुख का नाम लेकर के आया है। ओरिजिनल वो पाप है, मगर वो दुख का नाम लेकर के मेरे पास आए, मैं उनको पहचान गया, मेरा ही पाप है, ना बोलने का प्रश्न ही नहीं। ओके एक्सेप्ट। इंग्लिश में एक शब्द है, द अदर इज हेल, अदर इज दूसरा आपके लिए नरक है। क्या अर्थ है इनका, आज जब भी जिम्मेदारी दूसरे पे डालते हो तो नरक में जाने का प्रयास करते हो, क्योंकि जिम्मेदार तुम हो, दूसरा कोई है ही नहीं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मुझे छोड़ करके मुझे रोग आया मेरे ही से। और आपको मैं बताऊं, कमेंट मत करना, मगर जिंदगी में नशा नहीं करने वाले को, गुटखा नहीं खाने वाले को भी कैंसर होता है कि नहीं होता है? जिंदगी भर पवित्र जीवन चलने वाले मुनि भगवान का कलापूर्ण सीमित हो गए, मगर जम्बू विजी महाराज, 18,000 भाषा के जानकार, जिनका नाम लेकर के पूरा जैन समाज पूज्य पर, शायद बरोड़ा में भी जम्बू में आए होंगे कभी, ओके। यही उपासना का उद्घाटन आपकी पावन निश्रम है, रेस कोर्स वाले ऐसे महापुरुष मैं आपको मिला झिंझुवाड़ा में, धामा में। आज 50 साल के दीक्षा के बाद मैं सच कहता हूं इस पाठ पर कि इनके पैर की धूल तक मैं पवित्रता लेकर के नहीं बैठा हूं। वो समर्पण, वो पवित्रता, संघ के प्रति आपका प्यार, झिंझुवाड़ा में चातुर्मास थे, 70 मास खमण थे, 77+0। और आपको मैंने पूछा तब आपने मुझे बताया कि रत्न सुंदर महाराज, मेरे पचकांड से मासक श्रमण शुरू करने वाले का मासक श्रमण मंगलमय तरीके से पूर्ण हो जाए, इसलिए रोज की एक पक्की माला उनके नाम की मैं गिनता हूं। कितनी माला, रोज की नमस्कार महामंत्र की एक पक्की माला, माने रोज की माला कितनी, 70। और रोज पचकांड लेने के लिए वो मासक श्रमण वाले मेरे पास आते तो वास्तव तो डालता हूं,
मगर 20-21-22 उपवास के बाद किसी का स्वास्थ्य अच्छा न हो और मेरे पास वास्केबली के लिए ना आवे, मैं उनके घर पे जाकर के वास्केब डालता हूँ। 70 लोगों को रोज वास्केब डालता हूँ। ऐसे महापुरुष का एक्सीडेंट हो गया। वीआर करने के लिए जा रहे थे सुबह, आज टक्कर लग गई। और इतना बड़ा लोह जैन शासन ने किया कि 1000 साल के बाद एक जम्बू विजय पैदा होता है, और मैं नहीं मानता हूं कि आने वाले दिनों में कोई जम्बू विजय पैदा हो सकता है। ऐसे पवित्र पुरुष का एक्सीडेंट हो सकता है, कि क्या समाधान क्या होगा? कहीं किसी जन्म ने मेरे से गलती हो गई, वो हिसाब पूरा हो गया। आज एक कंसेप्ट गुरुदेव हम क्लियर करना चाहते कि मेरे ही कर्म के उदय से मेरे पे दुख आता है। चलो भी भगवान महावीर के साधना जीवन की बात आगे चलाना चाहता हूं। पहले ये कंसेप्ट बाहर जाकर के हम डबल माइंड नहीं करेंगे, पक्का हो गया। मेरे ही गलती से मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, बाकी किसी को कोई जरूर